मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का सवाल हो या हिंदुत्व का, कांग्रेस इनमें उलझ ही जाती है। राशिद अरवी का प्रकरण आपने देखा, हिंदुत्व की आईसिस और बोको हरम से तुलना कर सलमान खुर्शीद पूर्व कानून मंत्री हैं, पूर्व विदेश मंत्री हैं, उनका विवाद एक नया शुरू हो गया, उसके लिए बारूद जुटाया, कांग्रेस के लिए एक बेहद विस्फोटक स्थिति साबित हो गई। बीजेपी सलमान खुर्शीद पर चौतरफा वार कर रही है और कांग्रेस के इस बयान का विरोध भी। मुंबई में यह प्रदर्शन कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब के खिलाफ हो रहा है। हिंदुत्व की जो तुलना खुर्शीद ने आईएसआईएस और बोको हरम से की, उस पर तांडव हो रहा है। खुर्शीद साहब की बखियां उधेड़ी जा रही हैं, उनकी तस्वीरों पर आक्रोश की पट्टियां पीटी जा रही हैं। बुधवार को सलमान खुर्शीद ने अयोध्या पर अपनी नई किताब लॉन्च की। समारोह में चिदम्बरम, दिग्विजय, सरीखे मेहमान आए, सबने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन सलमान खुर्शीद की किताब की तीन लाइनों पर नई लड़ाई छिड़ गई, जिसमें खुर्शीद साहब कहते हैं, सनातन धर्म और शास्त्रीय हिंदुत्व की पहचान साधु संतों से रही है, जिसे अब हिंदुत्व के एक मजबूत संस्करण से किनारे लगाया जा रहा है। हर तरह से ये राजनीतिक संस्करण हाल के वर्षों के आईएसआईएस और बोको हरम जैसे जिहादी संगठनों जैसा है। ये पंक्तियां तो सलमान खुर्शीद की लिखी हुई है, लेकिन इस पर धद की राजनीतिक आग का सामना उनको और उनकी कांग्रेस पार्टी को भी करना पड़ रहा है। बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। राम कदम की अगुवाई में बीजेपी ने मुंबई में विरोध प्रदर्शन किया। राम कदम जैसे बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं, ये सिर्फ सलमान खुर्शीद की ही नहीं कांग्रेस पार्टी की भी सोच है। जिस प्रकार से उन्होंने हिंदू समाज को आईएसएस के साथ जोड़ा है, यह पूरी तरह से हिंदू समाज का अपमान है। हम उसकी कड़ी निंदा करते, विरोध करते हैं। वे हाथ जोड़ करके हिंदू समाज की माफी मांगे, ये हमारी मांग है। इस विवाद पर सलमान खुर्शीद की सफाई सामने आ चुकी है। खुर्शीद लगातार कह रहे हैं, उनके लिखे का गलत मतलब निकालकर राजनीति हो रही है, आलोचकों को पूरी किताब पढ़नी चाहिए। पूरी किताब में बताएं ना, वो ये कहें कि पूरी किताब में 300 पेजेस हैं जिसका हम समर्थन करते हैं और एक पेज है या एक सफा है जिसका हम समर्थन नहीं करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। आपके खिलाफ कंप्लेंट तक कर दी गई है इस बार? अरे कंप्लेंट कर दी थी, यहाँ आकर टमाटर भी फेंक सकते थे, वो तो सब करते ही हैं, इसीलिए तो किताब लिखी है। अगर मैं इस बात से डरता तो मैं किताब ना लिखता। सलमान खुर्शीद चाहे जो कहें, लेकिन उन्होंने बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा तो थमा दिया है। ये किताब की लोकप्रियता बढ़ाने का हथकंडा भी हो सकता है, लेकिन ये कांग्रेस को भारी पड़ रहा है। बीजेपी इसे पूरी ताकत से तूल दे रही है। मध्य प्रदेश में सलमान खुर्शीद की किताब को बैन करने की तैयारी चल रही है। तो निंदनीय पुस्तक उन्होंने छापी है। दरअसल हिंदुत्व को खंडित करने का, हिंदू को जाति में बांटने का कोई अवसर ये लोग छोड़ते ही नहीं। अपने भारत देश को खंडित करने का, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशा वाले के बाद सबसे पहले राहुल गांधी गए थे ना, वो वही विचार है जिसको सलमान खुर्शीद आगे बढ़ा रहा है। याद रहे, ये विरोध बेशक सलमान खुर्शीद का हो रहा हो, लेकिन इसकी आंच में तो आखिरकार कांग्रेस को ही झुलसना होगा। मुंबई में साहिल जोशी के साथ आज तक की।